नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीकांत दुबे जी, जो कि मायावती के बयान पर कि मायावती जो ब्राह्मणों को लेकर के अयोध्या से जो रैली निकालने के विषय पर जो बयान दिया है सतीश चंद मिश्रा जी ने, उस रैली के विषय पर मायावती जी ने जो बयान दिया है, क्योंकि तीन बार वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और सतीश चंद मिश्रा जी जो कि लखनऊ में ही अधिवक्ता रहे हैं और मैं भी लखनऊ में ही अधिवक्ता हूँ, और मायावती जी भी अधिवक्ता हैं, विदेश स्नातक की डिग्री उन्होंने भी नोएडा से प्राप्त कर रखी है। इस पर मेरा सीधा सा कहना है कि विकास दुबे बीएसपी से जुड़ा था, उसका गलत तरीके से इनकाउंटर, सब कुछ अवैध तरीके से मौजूदा सरकार ने कराया, उस पर क्या ब्राह्मण समाज बीएसपी के लिए केवल एक मुद्दा रह गया है कि आज चुनाव आया तो आज जो है हम अयोध्या से रैली निकालेंगे। दूसरी बात, विकास के अलावा विजय मिश्रा जी, उनकी बेटी को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया, विजय मिश्रा जी को भी फर्जी मुकदमे में फंसाया गया, और इसके साथ ही अंशुल दीक्षित की चित्रकूट जेल में गैंगवार हुए, उस समय बहन मायावती जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी और हमारे बड़े भाई सतीश चंद मिश्रा जी क्यों नहीं इस पर आवाज उठाए, या किसी भी राजनीतिक दल ने ब्राह्मण समाज पर के दुख पर क्यों नहीं शरीक हुआ? क्या ब्राह्मण समाज को इन लोगों ने केवल राजनीतिक मुद्दा समझ रखा है कि जब चुनाव आएगा तो हम रैली करना शुरू कर देंगे? इस पर मैं केवल ब्राह्मण समाज से यह अपील करता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि ब्राह्मण समाज समाज सेवक पार्टी को वोट दे, लेकिन इतनी जरूर ब्राह्मण समाज की माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि उस पार्टी को वोट दे के जिताएं 2022 में, जिस पार्टी का मुखिया ब्राह्मण हो। बस इस संबंध में मुझको इतना ही आग्रह विशेष तौर पर ब्राह्मण समाज से करना है, और यदि आज नहीं ब्राह्मण समाज चेता, हर ब्राह्मण में हर राजनीतिक दल में ब्राह्मण समाज के लोग हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ अपने निजी फायदे के लिए हैं, कुछ पार्टियों ने रख रखे हैं, कुल मिला जुला करके ब्राह्मण समाज को निचले स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया है। अब मैं यदि बहन मायावती जी से यह प्रश्न करना चाहूँगा कि 2007 में उनकी सरकार थी और हमारे ही भाई नकुल दुबे, जो कि बार काउंसिल मेंबर जीते थे, खाद्य विभाग के मिनिस्ट्री थे, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि उन्होंने अपने दरवाजे पे बोर्ड लगाया था कि अधिवक्ताओं का अपने निजी कार्य से आना मना है। जी रजनीकांत जी, जैसा कि सुप्रीमो मायावती जी की बात आई है ब्राह्मणों को लेकर के, ये अभी चल रही हैं कि इनका कहना है कि यूपी में ब्राह्मण बहुत दुखी है, तो इन्होंने ही कहा था, इनका ही नारा था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है, बहन मायावती जी ने ही जो है ये नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक का मतलब हुआ ब्राह्मण, तलवार का मतलब हुआ छत्री, तराजू का मतलब हुआ बनिया, और आज जिस ब्राह्मण सभा की इन्होंने बात की कि ब्राह्मण सभा की रैली निकालना है, तो ब्राह्मण सभा की रैली, अयोध्या की रैली को इन्होंने खत्म करके सवर्ण समाज की रैली को निकाला है माननीय सतीश चंद मिश्रा हमारे बड़े भाई ने, और ये सोचने का सब्जेक्ट, ये विषय माननीय सतीश चंद मिश्रा जी जो बीएसपी के महासचिव हैं और सम्मानित अधिवक्ता भी हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, कि इसका क्या जवाब है, इस पे कौन सा नारा देंगे कि तिलक तराजू और तलवार जिसको मारो जूते चार, किस वजह से, किस तरीके से, क्या सोच करके, क्या सियासत यही कहते हैं कि आदमी का, मनुष्य का अनादर करो, और किस मुंह से ये
समर्थ समाज की यात्रा निकाली जा रही है। ये उनके सोचने का विषय है, जनता सबको जानती है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो उनका अपना निजी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, हो सकता है वो अच्छा सोच सकते हो सकता है कि बहन मायावती जी की मानसिकता बदल गई हो कि अब तिलक तराजू और तलवार उनके रिश्तेदार हो गए हों या भाई हो गए हों। आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखिए, मेरा विचार है कि जो मनुष्य की मानसिकता होती है वही बोलता है। तो बहन मायावती जी के जो दिल में आया, जो मानसिकता थी, जैसे मैंने अभी आपके इंटरव्यू में बताया, जो मेरी मानसिकता है मैंने बोला। मैंने जनता से वोट नहीं मांगा, मैंने केवल यही कहा कि किसी भी ब्राह्मण पार्टी के मुखिया को आप मतदान कीजिए, इन पांचों पार्टियों के बहकावे में मत आइए। मैंने ये नहीं कहा कि समाज सेवक पार्टी या रजनीकांत दुबे को आप वोट दें या जिताएं। लेकिन जो ये जुमलेबाजी चल रही है लोगों की, ये जुमलेबाजी का सर्वनाश ब्राह्मण समाज ही कर सकता है। इसलिए ब्राह्मण समाज से मेरी ये अपील है कि इसका जवाब देने का अवसर ब्राह्मण समाज के पास है। ब्राह्मण समाज के लिए बीएसपी ने क्या किया, या बहन मायावती जी ने क्या किया, या हमारे बड़े भाई सतीश चंद्र मिश्रा जी ने क्या किया? जब कुछ नहीं किया तो क्या ब्राह्मण को केवल यह समझ रखा है वोट बैंक की राजनीति कि हम जिधर चाहेंगे हाक देंगे गाय भैंस की तरह? तो मेरी ब्राह्मण समाज से और ब्राह्मणों होने के नाते मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे वोट दें, लेकिन जिस भी पार्टी को वोट दें, मुखिया ब्राह्मण हो पार्टी का, चाहे किसी भी पार्टी को वोट दें, केवल यही मैं अपने बुजुर्गों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी माताओं से आग्रह करूंगा कि किसी भी पुरानी राजनीतिक दलों के बहकावे में ना आए, सोचें समझें और निर्णय लें, मुखिया ब्राह्मण समाज का हो। किस मेन एजेंडे को लेकर के आप अपनी पार्टी को चुनाव के लिए तैयार करेंगे? देखिए, फिलहाल तो जहाँ तक बीएसपी से ही हम शुरू करते हैं। बीएसपी ने पार्क बनवाए, सपा ने पार्क बनवाए, पार्कों में अनुसूचित जाति के लोगों को रखा गया केवल क्लास फोर्थ के एम्प्लॉय पे। सोचिए कि पार्क की जरूरत है या आज जैसे कोरोना काल चल रहा है क्या हॉस्पिटल की जरूरत थी कि नहीं थी? अब समाजवादी की बात करते हैं। बात लखनऊ में लोहिया पार्क और लोहिया हॉस्पिटल दोनों बनवाए इन्होंने, रोड बनवाई माननीय अखिलेश यादव जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने। प्रश्न यह है कि मूलभूत सुविधा जनता की क्या है? महंगाई, पेट्रोल डीजल आज चरम सीमा पर है। जब डीजल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, जब जीएसटी लगे तो जीएसटी हर चीज़ पे लग रही है। आज की तारीख में हर आदमी जीएसटी दे रहा है। इन सब को क्या पार्टी ने इलेक्शन के लिए, इन पार्टियों ने मुद्दा बना कर रखा था, या ब्राह्मणों की हत्या के लिए? और मेरी पार्टी क्या करेगी? केवल काम करेगी और काम करके दिखाएगी कि राजनीति कैसे होती है। और कभी समाज के किसी भी वर्ग के मौत पे या फर्जी इनकाउंटर पे सियासी मुद्दा समाज सेवक पार्टी कभी नहीं बनाएगी, काम करेगी। और जनता से यह अपील करना चाहेगी कि जनता एक बार अवसर हमें दे अपनी सेवा का।